टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 16 जुलाई 2021 और आज की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। आज के जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है। देखिए, अगर आपको इस सेशन पर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाता है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के रूप में राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय साहब हैं जो कि इन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। अभी कुछ दिन पहले जो कैबिनेट में मोदी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ था उसके कुछ दिन पहले यानी कि एक या दो दिन पहले 8 राज्यों के राज्यपाल का नियुक्त किया गया, 8 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नियुक्ति की गई थी। वो 8 राज्य के राज्यपालों के बारे में आपको जानना है, वरन पूरे राज्यपाल, पूरे जो हमारे देश में जितने भी स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है उसके राज्यपाल और प्रशासक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि बंडारू दत्तात्रेय साहब ने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया, बंडारू। तो इससे पहले हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पहले हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, तो इससे पहले थे सत्यदेव नारायण आर्य। कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। और अभी जो बन गए हैं ये बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये बने हैं हरियाणा के 18वें राज्यपाल यानी कि 18 नंबर के राज्यपाल, 18 नंबर के राज्यपाल बने हैं। इससे पहले सत्यदेव नारायण आर्य जो थे 17वें नंबर के राज्यपाल थे हरियाणा के। तो ये जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं ये कहाँ चले गए? सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वो कहाँ चले गए? तो आपको ये जैसे कि ये बताना है सत्यदेव नारायण आर्य अभी कहाँ के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं झारखंड के राज्यपाल बने हैं रमेश बैस, झारखंड के राज्यपाल बने हैं महेश बैस। गोवा के बने हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। और त्रिपुरा के कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के जो अभी बने हैं आपको मैंने अभी बताया था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो ये बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो हरियाणा से उठकर ये सत्यदेव नारायण आर्य आ गए त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी कौन बने हैं? मगन भाई छगन भाई कुछ इस तरह से करके हैं, मंगू भाई छगन भाई जो हैं यहाँ के राज्यपाल बने हैं। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये बातें हो गई, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आरबीआई ने किस कंपनी के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड, मतलब तीनों तरह के कार्ड जो कार्ड होते हैं पूर्णतः उस पर बैन लगा दिया गया है। आरबीआई ने इस किस कार्ड पर बैन लगा दिया है? तो आरबीआई ने मास्टर कार्ड जो कि अमेरिका की एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है मास्टर कार्ड, इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यानी कि अब जो है मास्टर कार्ड के द्वारा किसी भी टाइप का कार्ड भारत में, ठीक है, भारत में किसी भी टाइप का कार्ड मास्टर कार्ड के द्वारा अब नहीं इशू किया जा सकता है। ठीक है, भारत में इशू नहीं किया जा सकता है। और ये कब से प्रभावी होगा अगर आपसे पूछा जाए तो 22 जुलाई 2021 से। ठीक है, 22 जुलाई 2021 से मास्टर कार्ड अब इंडिया में नए ग्राहकों के लिए कार्ड इशू नहीं कर सकता है। अभी तक जिसके पास मास्टर कार्ड है उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से ये क्या करेगा, नहीं कर सकता। ऐसा क्यों किया है आरबीआई ने? तो जो आरबीआई ने एक लॉ बनाया था, एक नियम बनाया था सारे कंपनीज के लिए कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी जो भुगतान होते हैं उसका डाटा आपको क्या करना होगा, भारत सरकार को देना होगा, कलेक्ट करके भारत सरकार को देना होगा। ऐसा करने में जो मास्टर कार्ड है वो विफल रही है, जिस कारण से मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब मास्टर कार्ड को बैन कर दिया इंडिया में, तो जो वीजा कार्ड है, वीजा कार्ड को आपसे ये पूछा जाएगा कि आरबीएल, ठीक है, आरबीएल बैंक जो है, आरबीएल ने वीजा कार्ड को इशू कर दिया। किस लिए? मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है तो ऑब्वियस है कि जो कस्टमर्स हैं उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से आरबीएल ने वीजा कार्ड को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, वीजा कार्ड को लॉन्च कर दिया है। बात करते हैं आरबीएल की, तो आरबीएल बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना अगस्त 1943 में हुई थी। अभी आरबीएल बैंक के जो सीईओ हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आरबीएल के सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। ठीक है,
विश्ववीर आहूजा जो हैं आरबीएल के सीईओ और एमडी हैं। और अगर पूछे आरबीआई आरबीएल का टैगलाइन क्या है तो आपको बताना है अपनों का बैंक, अपनों का बैंक है आरबीएल का टैगलाइन। इससे पहले आरबीएल को जाना जाता था रत्नाकर बैंक के नाम से। किसके नाम से? रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको दे दिया। देखिए इजराइल में दूतावास यानी कि इजराइल में एम्बेसी खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया? जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं किसी भी गल्फ कंट्रीज के एम्बेसी इजराइल में नहीं थे, क्योंकि इनका 36 का आंकड़ा है इजराइल के साथ। तो अभी इजराइल में फर्स्ट एम्बेसी खोलने वाला जो देश बन गया है वो कौन सा देश बना है आपसे पूछा जाएगा। जितने भी फर्स्ट जो होते हैं फर्स्ट इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, मैंने बताया वो एग्जाम से रिलेवेंट होते हैं, एग्जाम में पूछेंगे ये सवाल बनेंगे। तो देखिए इजराइल में दूतावास खोलने वाला जो पहला खाड़ी देश बना है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये बन गया है इजराइल में खाड़ी देश, मतलब पहला देश बन गया है दूतावास बनाने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाला तीसरा भारतीय कौन बना है? तो इससे पहले दो को मिला है, ठीक है, गोल्डन वीजा, दुबई का गोल्डन वीजा दो लोगों को मिल चुका है। अब जो मिला है रिसेंट में आपसे पूछा जाएगा और ये तीसरे नंबर के हैं, ये मिला है सानिया मिर्जा को। ठीक है, सानिया मिर्जा को मिला है और इससे पहले शाहरुख खान और संजय दत्त को भी ये गोल्डन वीजा दुबई के द्वारा मिल चुका है, तो आपको इसे याद रखना है। अब देखते हैं कि राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने। तो अभी जो क्या हुआ है कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत बड़ी फेरबदल आपको देखने को मिली है, 8 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। तो फिर इस तरह से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी है ये बनेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में अभी कौन से सदन के नेता कौन बने हैं? हु बिकेम द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा? राज्यसभा में जो सदन के नेता बने हैं वो बने हैं पीयूष गोयल। कौन बने हैं? पीयूष गोयल साहब। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थावरचंद गहलोत थे। कौन थे? थावरचंद गहलोत सदन के नेता थे राज्यसभा में। और ये जो है अभी कर्नाटक का राज्यपाल इन्हें बना दिया गया है। ठीक है, कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बना दिया गया है, तो इसके स्थान पर अब सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। और पीयूष गोयल को अभी कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है? पीयूष गोयल को दिया गया है कपड़ा मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इन्हें दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। मैंने एक ट्रिक का वीडियो बनाया है, ट्रिक से सारे कैबिनेट मिनिस्टर को याद करने का एक ट्रिक पर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देखकर पूरे नंबर जितने भी जो एक या दो नंबर पूछे जाएंगे वो आप अपने पक्के कर लीजिए। देखिए नारायण राणे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे कहाँ के? महाराष्ट्र के। इन्हें मिला है एमएसएमई मिनिस्ट्री। ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान को मिला है शिक्षा मंत्रालय। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। लद्दाख ने, लद्दाख जो है 2025 तक अपने स्टेट को ऑर्गेनिक एंटिटी यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए एक लक्ष्य रखा है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। ठीक है, आपको याद रखना है लद्दाख ने इसको सिक्किम स्टेट इस तरह से आपको याद रखना है, सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, मतलब सिक्किम की जो ये एजेंसी है जिसका कि आपका फुल फॉर्म, आपके शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं SOCCA के साथ लद्दाख ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे 2025 तक यूटी को, अपने यूटीज को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए ये वचनबद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने, अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है आप लोगों के लिए कि केंद्र सरकार, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि केंद्र सरकार ने डीए और महंगाई भत्ता को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा डीए और महंगाई भत्ता को 28% कर दिया गया है। ठीक है, 28%, पहले ये 17% था और अभी 28% कर दिया, यानी 11% की अगर आपसे वृद्धि पूछे तो आप बताएंगे 11%, और कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है तो आप बताएंगे 28%, कितना परसेंट था तो 17%, ये बातें हैं। तो केंद्र सरकार ने जो डीए और महंगाई भत्ता को एम्प्लॉयज के लिए, सेंट्रल एम्प्लॉयज और स्टेट एम्प्लॉयज के लिए भी बढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ दिन बाद बढ़ा देगा स्टेट एम्प्लॉयज के लिए, तो ये जो है 28% कर दिया है, पहले 17 था, 11% की वृद्धि है। 1 जनवरी 2020, ठीक है, आपको ये एक
डेट याद रखना है, 1 जनवरी 2020, जो कि कोविड महामारी के कारण क्या था कि 1 जनवरी 2020 से ये डीए और महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी गई थी। तो अभी 1 जनवरी 2020 से अब 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2021 से ये डीए जो बढ़ा हुआ डीए है ये लागू होगा। और जो ये रोक लगा दिया गया था इस बीच का भी जो जितना बनेगा, ठीक है, जितना बनेगा इसमें जो जो बनेगा जोड़ के जितना बनेगा वो दिया जाएगा, लेकिन वो कितने परसेंट पर दिया जाएगा, 17% पर ही दिया जाएगा। और 28% कब से लागू हो रहा है, 1 जुलाई 2021 से। तो ये हो गई आपका यहाँ से बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन है WPI यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, होल सेल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति जून में घटकर कितनी परसेंट रह गई है। अभी आप देख रहे होंगे कि खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है इनके दाम, ठीक है, इनका जो कीमत है वो आसमान छू रहा है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो इसमें क्या हुआ है, थोड़ी कमी देखने को मिली है और ये घट गई, घटकर जून में कितनी परसेंट रही है। आपसे ये पूछा जाए कि जून 2021 में जो WPI मुद्रास्फीति जून में घटकर कितनी रही है, तो 12.07%, ठीक है, 12.0% रह गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ होगा, ठीक है, सोलर पावर पार्क भारत का सबसे बड़ा कहाँ होगा। आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत अग्रणी देश में से एक है, मतलब टॉप है, ये सबको लीड कर रहा है, आप ये भी जानते होंगे, और गुरुग्राम में जो सौर ऊर्जा का मुख्यालय है वो भी है। तो क्या है कि भारत में सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ होगा, तो ये कच्छ, ये है कच्छ क्षेत्र, ठीक है, गुजरात का कच्छ में, गुजरात के कच्छ में NTPC के द्वारा यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है बिजली उत्पादन में, इसके द्वारा सौर ऊर्जा, सबसे बड़ी सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण भारत में NTPC के द्वारा होगा। और इसका जो क्षमता होगा, इसका जो कैपेसिटी होगा वो होगा 4.75 गीगावाट, ठीक है, 4.75 गीगावाट यानी कि 4750 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। और ये NTPC के द्वारा कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जाएगा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क ये होगा। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय खिलाड़ियों के लिए टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है, किसने किया है, ठीक है, तो हु लॉन्च्ड द थीम सॉन्ग ऑफ टोक्यो ओलंपिक फॉर द इंडियन एथलीट्स। तो जो टोक्यो ओलंपिक के लिए चीयर सॉन्ग जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे, ठीक है, हिंदुस्तानी वे, इसको आपको याद रखना है, हिंदुस्तानी वे, ये चीयर सॉन्ग टोक्यो ओलंपिक जो कि 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है जापान के टोक्यो में, उसके लिए थीम सॉन्ग जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, AR रहमान के द्वारा इस गाना को लिखा गया है, रचा गया है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, AR रहमान, और इसको गाया किसने है, अनन्या बिड़ला ने, किसने, अनन्या बिड़ला ने, तो इसको लॉन्च किया गया है AR रहमान के द्वारा, और अनन्या बिड़ला ने इसको गाया है, तो आपको इसको याद रखना है। और जो अगर पूछा जाए कि मैस्कट यानी कि जो शुभंकर है टोक्यो ओलंपिक का क्या है, तो आप बताएंगे, आपको बताना होगा टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो है मिराई तोवा, मिराई तोवा, ये है मिराई तोवा, और ये है सोमैटी, ठीक है, सोमैटी, तो ये याद रखना है आपको, शुभंकर जो टोक्यो ओलंपिक का है, मिराई तोवा और सोमैटी। मिराई तोवा जापान का एक भाषा है, जापान में बोली जाने वाली एक वर्ड है, और सोमैटी भी जापानी वर्ड है, ठीक है, अगर आपसे और पूछे तो, ये तो इतना पूछेगा नहीं, आपको याद रखना है मिराई तोवा जो होता है फ्यूचर एंटिटी, ठीक है, फ्यूचर एटर्निटी, और दूसरा सोमैटी को बोला जाए, सोमैटी जो है चेरी ब्लॉसम इसको कहा जाता है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम इसका मीनिंग हुआ इंग्लिश में। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, तो ये हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 16 जुलाई से रहा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। करेंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अहम जानकारी यहाँ से मिलती है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डेली वाइज पर करेंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है, आप सारे करेंट अफेयर्स को देख कर PDF को फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाता है, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। आपको टॉपिक वाइज जनवरी 2021 से जून 2021 तक टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा, आप उसे देखना ना भूलिए। और एक कैबिनेट मिनिस्ट्री का ट्रिक के माध्यम से आपको कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन से केस को कौन से मिनिस्ट्री मिली है वहाँ पर डाल दिया गया, आप उसको देखकर एक बार रिवीजन कर ले। तब तक के लिए शुभ, आप से अलविदा लेते हैं, आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।